नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे किसानों के प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए लगातार किसान नेताओं की महापंचायतों का दौर जारी है। वही बीते शुक्रवार को राजस्थान के अलवर में भाकियू नेता राकेश टिकैत के काफिले पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया। हमले में टिकैत की गाड़ी के शीशे टूट गए, हालांकि इस हमले में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। वही इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक राकेश टिकैत के काफिले पर अलवर में उस वक्त हमला हुआ जब वो एक सभा को संबोधित कर आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच ततारपुर चौराहे पर उनका काफिला पहुंचा ही था कि अचानक भीड़ ने टिकैत के काफिले पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में टिकैत की कार के शीशे टूट गए। जैसे ही हमले की खबर धरनारत किसान समर्थकों को मिली तो उन्होंने जयपुर दिल्ली हाईवे स्थित जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर आपातकालीन व एम्बुलेंस के आने जाने वाली सर्विस लाइन को बंद कर दिया। किसान समर्थकों ने भाजपा सांसद व केंद्र सरकार पर हमले का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान अपना अधिकार लिए बगैर वापस घर किसी भी कीमत पर नहीं लौटेगा। भाजपा सरकार किसानों को डराने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन किसान हिम्मत नहीं हारा है। किसानों को दबा देंगे, डरा देंगे, ये हो नहीं सकता। कल भारतीय जनता पार्टी के हनुमानगढ़ से 2 चुने हुए 2 विधायक हैं, किसानों का मुकाबला नहीं कर सके। उनके कार्यकर्ता वो स्थानीय विधायक कर नहीं पाए और कलेक्टर से छुपकर ये गलियों में से होकर भाग गए, किसानों की बात नहीं सुनी और ये साबित करने में लगे हैं कि हम दूर से गोली चला देंगे और पत्थर चला के डरा देंगे, तो कभी हो नहीं सकता है। इसलिए साथियों, हमारी एकता के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक हमें जान है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। किसी भी हालात में किसान की जमीन को नहीं जाने दिया जाएगा। किसी भी हालत में मजदूर के मुंह से रोटी नहीं छीनने देंगे। ये हमारा आंदोलन और ये हमारा जारी रहेगा। इस हमलों से हम कोई डरने वाले नहीं है। आज किसान मोर्चा में किस तरीके का फेरूफान आया है? देखिए, अभी 1 घंटा पहले तकरीबन हमारे अलवर के 2 जिलों में महापंचायत थी, जिसमें संयुक्त मोर्चा राजस्थान के हमारे तमाम नेता अमरा राम जी, राजा राम मील समेत, राकेश टिकैत समेत तमाम लोग गए हुए थे। और बीजेपी के जो लोग थे, बीजेपी का जो यहाँ का सांसद है, उस सांसद का जो मुख्य उनका कार्यकर्ता है, जिसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है, उनके इशारे के ऊपर राकेश टिकैत समेत तमाम जो गाड़ियां थी हमारी नेताओं पे, उन पे सुनियोजित हमला किया है, गाड़ियां तोड़ दी गई है, गोली चली है। तो इसकी हम सख्त न केवल निंदा करते हैं, हमने ये जो संयुक्त मोर्चा साझापुरा खेड़ा है, हमने भी रोष स्वरूप इसको जाम कर दिया है, ताकि सरकार के पास इस गुस्से का इजहार पहुँचे। और हम राजस्थान की सरकार से कहना चाहेंगे कि इस प्रकार के जो गुंडे तत्व राजस्थान में, उनको शीघ्र गिरफ्तार करें, नहीं तो राजस्थान सरकार को भी कटघरे में लेके आएंगे। हम समझते हैं कि बीजेपी और RSS और इनका सांसद इस प्रकार लाठी और गोली से किसान को नहीं दबा सकता। अगर ऐसी हरकत दोबारा होगी और अगर कोई नुकसान होगा, उसकी जिम्मेवारी हिंदुस्तान के गृह मंत्री और खुद मोदी की होगी। हम मैदान में मरने के लिए आए हैं, संघर्ष करने के लिए आए हैं, इसलिए लाठी और गोलियों से नहीं डरेंगे। किसान को आगे लेके जाएंगे, इस जीत को आगे लेके जाएंगे। राजस्थान के अलवर जिले के अंदर बांसूर के कान खोल के सुन ले, इस प्रकार के हमलों से किसान नहीं डरेगा, देश का अन्नदाता नहीं डरेगा। हमने 300 से ज्यादा कुर्बानियां दे दी है, हम और कुर्बानी भी दे सकते हैं, मगर ये तीनों कृषि कानून और MSP पर कानून नहीं बनेगा। ये जंग और ये संघर्ष जारी रहेगा और आने वाले मई के अंदर हम खुद सीना चौड़ा करके दिल्ली आएंगे। अगर लाठी गोली चलानी है तो सरकार अपनी तैयारी कर। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक